नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम हिमाचल प्रदेश नहीं बल्कि पूरे इंडिया की बात करने वाले हैं कि जो राशन कार्ड की जो नई लिस्ट जारी हुई है, आप इसमें अपना नाम देख सकते हो। तो यहाँ पे किन किन को फ्री राशन मिलेगा, ये सारी चीज़ें आप इसमें जानने वाले हैं। तो पहले बता दूं कि आपको जो राशन इसमें मिलता है वो यहाँ पे हमारा रहता है गेहूँ, चावल, नमक, मिट्टी का तेल इत्यादि। तो ये राशन कार्ड की जो न्यू लिस्ट है वो जारी हुई है। इसमें है, ये सरकारी श्रेणी में आता है। इस दस्तावेज जैसे कि आईडी प्रूफ चाहिए होते हैं। इसमें स्थान इसका पूरे भारत में है, इसलिए मैंने कहा कि पूरे भारत के लिए है ये। और जो हम बता दें, विभाग इसका खाद्य आपूर्ति एवं ग्राहक राज्य विभाग रहेगा। इसकी वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आपको किस तरह चेक करना है। पहले इसकी थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं, फिर इसके जो हम चेकिंग करेंगे वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बता दूंगा। तो पहले जान लेते हैं कि इस लिस्ट में जिनके नाम है वो उनके लिए क्या पात्रता और मानदंड रखे गए हैं। तो पहला है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरा है कि राशन कार्ड नई सूची के लिए आवेदन तभी कर सकता है अगर वो गरीबी रेखा से नीचे हो। उच्च वार्षिक आय वाले लोगों को इसमें से हटा दिया गया है, मतलब वो अब पात्र नहीं होंगे जिनकी आय बहुत ज़्यादा है। अगर किसी परिवार में कोई व्यक्ति केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अधीन सरकारी पद पर कार्यरत है तो उससे राशन कार्ड का लाभ नहीं होगा, मतलब जो सरकारी उसमें केंद्र या राज्य सरकार में सरकारी पद पर काम करता हो। राशन कार्ड की नई सूची 2023 के तहत केवल परिवार का मुखिया ही आवेदन कर सकता है, और जो 4 सदस्य वाले परिवार के केवल एक ही व्यक्ति राशन कार्ड की नई सूची के लिए आवेदन के लिए पात्र होगा। ये जो लिस्ट है गवर्नमेंट जारी करती है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट। अब जो राशन कार्ड की नई लिस्ट आई है उसके लिए कौन कौन पात्र हो जाएंगे, क्या मानदंड है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। फिर चलते हैं अपने लास्ट टाइम पे कैसे चेक करते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पे वो भारत का निवासी होना चाहिए, उसके पास पहले से राशन कार्ड नहीं होना चाहिए अगर जो नई लिस्ट में आना चाहते हैं। फिर है उसके पास 9 विवाहित जोड़े अलग अलग राशन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। अभ्यर्थी के घर में जन्म लेने वाला नवजात शिशु राशन कार्ड में दर्ज हो सकता है, और आवेदक के पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है। और जो अलग दस्तावेज लगते हैं वो भी मैं आपको बता दूं कि वोटर आईडी कार्ड, जो उनके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड, इनमें से कोई एक होना चाहिए, बिजली, टेलीफोन या पानी के बिल, परिवार के मुखिया की पासपोर्ट साइज फ़ोटो, राज्य या केंद्र सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र, मतलब ये अगर आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए जानते हैं कि राशन कार्ड की लिस्ट में अपना नाम ऑनलाइन कैसे चेक करते हैं। तो इसकी वेबसाइट है nfsa.gov.in। तो इस पे आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वैसे ये नई वेबसाइट यहाँ पे आपके पास ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू टू साइट करना है। आप यहाँ पे इनका पूरा स्टेटस देख सकते हो कि कितनी यहाँ पे हमारे पास फेयर प्राइस शॉप है, कितने इसमें जो भी इनके राशन कार्ड वगैरह धारक है 19.65 करोड़ है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे ऊपर मेन्यू पे क्लिक करना है, अदरवाइज़ आप इसको डेस्कटॉप सेट भी कर सकते हैं। मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ आपको मोबाइल में, तो डेस्कटॉप हम नहीं करेंगे। तो मेन्यू पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे 3rd नंबर पे राशन कार्ड का सिंबल है, इस पे आपको क्लिक करना है। राशन कार्ड में आपको जाना है, अगर तो आप डैशबोर्ड देखना चाहते हैं डैशबोर्ड देख लीजिए। मैं यहाँ पे राशन कार्ड डिटेल ऑन स्टेटस स्टेट पोर्टल पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ वैसे ही मेरे पास यहाँ पे अपने स्टेट चुनने के लिए आ जाता है। तो सिंपली मैं किसी एक स्टेट पे यहाँ पे क्लिक करूँगा और ओके कर दूँगा, जैसे मैंने हिमाचल प्रदेश पे क्लिक किया है। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने को आएगा, आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे ब्लॉक सेलेक्ट करने को आएगा, तो आप यहाँ पे ब्लॉक पे डाउन एरो पे क्लिक करना है, और यहाँ पे अपना ब्लॉक जैसे कि हम कंडाघाट चुन लेते हैं और सर्च करते हैं। जैसे ही आप सर्च करते हो आपके पास यहाँ पे लिस्ट निकल जाती है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि इस लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, देख सकते हैं आप। इस तरह से आप अपना नाम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसी तरह के और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।